चतुर्थी का त्यौहार पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के हिसाब से कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कार्य संपन्न हो पूरी तरह से। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। यहाँ अब हम महेशपुरा में आए हैं, जहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं गणेश चतुर्थी के त्यौहार के लिए। तो इन शिल्पकारों से हम पूछते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये अपने एक देश को छोड़कर यहाँ जम्मू में आ बसे हैं और यहाँ पर मूर्तियाँ बनाते हैं। गंगा देवी जी, अब कब से ये मूर्तियों का काम कर रही हैं? हमको हो गया करते करते 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। 40 साल से आप ये सिर्फ मूर्तियाँ बनाती हैं क्या? हर साल आप रहती कहाँ पर हैं? हम राजस्थान रहते हैं। तो राजस्थान से क्या हर साल आप यहाँ पर आती हैं? हर साल हम 4-5 महीने के लिए इधर आते हैं। तो हर साल ये POP की है ना, मिट्टी की मूर्ति है संग, वो बनाते हैं जी, लोग भी ले जाते हैं। तो हर साल में एक ही त्यौहार आता है हमारा, तो हम इधर जम्मू में आते हैं और जम्मू में बनाते हैं जी। तो हम बनाते बनाते हो गया, हमारे बच्चे भी इधर बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, उनको शादी लायक हो गया तो गांव में जाके शादी भी करवाया, फिर इधर आ जाते इसी महीने इसी टाइम में। अच्छा, 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने पहले आ जाते हैं। तो कितनी मूर्तियां दिन में आपकी बिक जाती हैं? हमारा दिन में कोई 10-15 बिक जाती है। दो महीने रहते हैं ना, तो 2 महीने में लोग ले जाते हैं, कोई एक ले जाओ, 2 ले जाओ, 4 ले जाओ, ऐसे दिन में 4-5, 10-15 मूर्तियाँ बिक जाती है। पिछले साल तो कोरोना था, क्या पिछले साल आप यहाँ पर आई? नहीं आए पिछले साल, हम कराना में नहीं आए, इधर आने भी नहीं दिया, तो हमारा भी काम नहीं चला, तो कर्जा लेके लोगों से खाया, तो वो तो देना ही है, मजदूरी करते तो मजदूरी से थोड़ी बच्चों का पेट कहाँ से भराएंगे, 200 रुपया उधर दाढ़ी है। तो कोरोना तो इस साल भी है, तो इस साल कैसा रहा आपका काम? थोड़ा मंदा ही है, बन चल रहा है, मोटा माटा चल रहा है, काम चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। अब की बार माल कम ही बनाया हमने, पता नहीं लोग लेंगे नहीं लेंगे, पहले तो हम बनाते जाते थे तो लोग ले जाते थे, तो अब की बार थोड़ा चल रहा ही है, काम तो कम ही चल रहा है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफा चल। 1991 से यहाँ काम कर रहा हूँ जना। तो हर साल आप यहाँ पर आते हैं? हर साल आ रहा हूँ मैं, 2-3 महीना घर में निकालते हैं सर्दियों के टाइम में, तो यहाँ पे बाकी यहाँ दिन निकालते हैं। मेरे को ये सीट भी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छा ही लगा सब कुछ, ये तो दूसरी जगह मैं नहीं गया मैं। जम्मू में ही रहते हैं या और भी जगह पर जाते हैं? नहीं नहीं, जम्मू में ही रहता हूँ मैं। 200-250 ऐसी मूर्तियाँ बना लेते हैं हम, तो 7-8 महीने फिर उसके बाद में ये बिक्री की टाइम में ये होता है, 8-10 दिन होता है। बाकी खास मूर्तियाँ तो बन रही है, सभी जैसे बन रही है, हर साल बना रहे वैसे ही बना रहे, लेकिन हमेशा नई वैरायटी लानी पड़ती है मूर्तियों में। जैसे अब की बार ये गणेश जी बनाए, तो उसके मतलब अगले साल उसके थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, ऐसे ही काम चलता है। रोजी रोटी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, ये शिल्पकार राजस्थान को छोड़ दूर दराज इलाके जम्मू में आकर बसे हैं। हर साल ये यहाँ पर आते हैं ताकि इनके साथ साथ इनके परिवार का भी पालन पोषण हो सके। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।